हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मथुरा और वृंदावन घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े थे आगरा के लिए। शाम का समय था, वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा था। तो आगरा में भी हम लोगों ने होटल की बुकिंग पहले से ही कर रखी थी। अगर होटल की बुकिंग हम लोग पहले से कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। पूरी रात हम लोगों ने आराम किया और सुबह हम लोग निकल पड़े थे ताजमहल देखने के लिए। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि सुबह जल्दी से निकल जाएंगे और धूप होने के पहले ही घूम लेंगे, लेकिन थकान की वजह से हम लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाए थे और थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे। सुबह का समय था और वेदर बहुत अच्छा था, धूप भी हुई नहीं थी उस टाइम पर जब हम लोग पहुँच गए थे। मुझे वृंदावन घूमकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मथुरा आगरा भी ठीक ठाक थे, लेकिन वृंदावन की बात ही अलग थी। वहाँ का प्रेम मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप भी वहाँ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा वृंदावन और मथुरा वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख कर आइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगरा और वृंदावन से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, जिसका वीडियो भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के एंड में मैं फोटोज अटैच कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।